हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स पर है। ये मेरा 5वां वीडियो है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश के उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, स्पेशली व्हाइल यू आर राइटिंग इन इंग्लिश। आप अपने राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान देंगे। सबसे पहला तो ग्रामर और दूसरा है स्पेलिंग। अगर ये दो चीज़ सही होती है तो ही आपकी जो है मैसेज, जो लैंग्वेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, वो बेहतर बन सकता है। अगर ये दो मिस्टेक्स रहे तो हो सकता है कि आपकी कही हुई जो बातें हैं वो इनएफेक्टिव हो जाए। ओके, तो स्पेशली स्पेलिंग रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो सफिक्स जो है हम ऐड करते हैं अपने बेस वर्ड पे, राइट। तो बेस वर्ड पे सफिक्स ऐड करने के दौरान बेस वर्ड में कुछ चेंजेस आता है और ये चेंजेस को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं ध्यान में रहते हैं तो ये आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। तो आज हम एकदम बेसिक कॉमन सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो चेंजेस आती है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड विच मेक्स अ न्यू वर्ड। ये एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो, ये एक बेस वर्ड के एंड में लगाकर हम एक वर्ड को नया डेफिनेशन दे देते हैं, एक नया मीनिंग दे देते हैं। ओके, तो स्पेशली सफिक्स कैसा, ई डी, आई एन जी, ई आर, एल वाई, एम ई एन टी, आई ओ एन, इस तरह की जो है ग्रुप ऑफ लेटर हम बेस वर्ड में अक्सर ऐड करते हैं, राइट। तो आज हम उन कॉमन सफिक्स की बात करेंगे जो जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे जुड़े जो मिस्टेक्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपने बेस वर्ड के चेंजेस को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है स्पेलिंग रूल्स में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम सफिक्स आई एन जी, ई डी, ई आर और ई एस डी के रूल्स को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सफिक्स आई एन जी, ई डी, ई आर और ई एस डी है वो लगाते ही क्यों हैं। आई एन जी हम अपने वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में करने के लिए लगाते हैं, ई डी हम अपने वर्ब को जब पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में करना होता है तब लगाते हैं, ई आर और ई एस डी हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को बताने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सफिक्स है उसको ऐड करते वक्त हमारे बेस वर्ड के चेंजेस को क्या ध्यान में लेना है। रूल्स नंबर वन, इफ देयर इज़ अ वन सिलेबल वर्ड्स एंड द लास्ट थ्री लेटर इन सीवीसी पैटर्न, अगर शब्द वन सिलेबल वर्ड है और आखिरी के जो अक्षर है, लेटर है, वो सीवीसी पैटर्न में हो तो आपको आखिरी वाला कॉन्सोनेंट जो है डबल कर देना होता है व्हाइल यू आर एडिंग आई जी, ई डी, ई आर और ई एस डी। फॉर एग्जाम्पल, रन, रनिंग, रनर, आप देख सकते हैं रन की आखिरी की जो है सी है, वी है एंड सी है, तो सी वी सी वर्ड से ही, सी वी सी वर्ड पैटर्न में ही इसकी ये वर्ड है और इसके वजह से जो है आखिरी का जो एन है वो डबल हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिट, आखिरी का टी डबल, स्टॉप, आखिरी का जो पी है वो डबल हो जा रहा है व्हाइल एडिंग आई एन जी एंड ई डी, बिग, स्विम, ये सब देख सकते हैं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस दौरान में आपने बिग का जी जो है वो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर डबल किया आपने, स्विम जो है उसका भी लास्ट लेटर एम जो है डबल हो जाता है क्योंकि ये एंडिंग इसकी सी वी सी से होती है। ओके, दूसरा क्या ध्यान में देना है कि इफ़ वर्ड हैज़ अ टू सिलेबल, अगर दो सिलेबल से बनी हुई वर्ड होती है तो क्या करते हैं, हम देखेंगे कि कौन से सिलेबल ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है। अगर लास्ट सिलेबल ट्रस्ट होता है तो हम अपने लास्ट कॉन्सनेंट लेटर को जो है डबल करेंगे। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं, बिगिंग, बिगिंग किस सिलेबल को हम ज़्यादा ट्रस्ट दे रहे हैं, बिगिन, गिन को। ओके, तो इस केसेस में आपने देखा कि गिन जो है हमारा लास्ट सिलेबल पर ट्रस्ट है इसलिए हमने एन को डबल किया। नेक्स्ट देखिए, अखर, अखर इज अ लास्ट सिलेबल ट्रस्ट सो वी डबलिंग द लास्ट कॉन्सनेंट लेटर व्हाइल एडिंग आई एन जी एंड ई डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, कमिट, कमिट, मिट,
जो है मिर्च पर ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है, इसके वजह से डबल टी का हम लोग टी को डबल किया है वायर एडिंग ई डी एन आई एन जी। ओके नाउ नेक्स्ट है कि हमें कब डबल नहीं करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब कॉन्सोनेंट लेटर डबल नहीं होता, बट ऑब्वियस कब नहीं होगा, जब वो सी वी सी वर्ड पैटर्न से एंडिंग ना हो। ओके जैसे इट, इट पे आप देख सकते हैं कि क्या ये सी वी सी पैटर्न में एंडिंग है, नो सी वी वी, तो क्या ये सी वी सी है, नहीं है, इसलिए हमने इसे कॉन्सोनेंट जो है लास्ट लेटर को डबल नहीं किया है। ओके जिस तरह से किक देखिए, क्या ये सी वी सी है, नहीं है, इसलिए हमें इसे डबल नहीं करना है। ड्रिंक, क्या इसमें यह सी वी सी एंडिंग है, नहीं है, इसलिए हमने इसको भी डबल नहीं किया है अपने लास्ट लेटर को वाइल एडिंग आई एन जी और ई डी। उसी तरह से अगर हमारे दो सिलेबल वाले वर्ड्स में बिगनिंग सिलेबल पर ट्रस्ट होता है तो भी हम कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करते। ठीक है जैसे मार्केट, मार्केट, तो मार पे ज़्यादा ट्रस्ट है, बिगनिंग सिलेबल पर ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए हमने अपने लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं किया वायर एडिंग आई एन जी ई आर ई डी और ई एस डी। ओके उसी तरह से ऑफर, ऑफर हमारा बिगनिंग पर ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए हमने अपने लास्ट लेटर को डबल नहीं किया वायर एडिंग सफिक्स। एंटर, एंटर इस केसेस पे भी हमने नहीं किया। सफर, सफर इस केसेस में भी हमने डबल नहीं किया है। अब रूल नंबर टू की बात करते हैं, नेवर डबल द लास्ट लेटर इफ वर्ड्स एंड विद डब्ल्यू और एक्स, अगर शब्द डब्ल्यू या एक्स से एंड होती हो तो हमें कभी भी अपने लास्ट लेटर को जो है डबल नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइल एडिंग आई एन जी ई आर और ई डी। स्नो, स्नो की एंडिंग जो है डब्ल्यू से हो रही है, इसलिए हमने आई एन जी लगाते वक्त डब्ल्यू को डबल नहीं किया। बॉक्स, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्स से एंडिंग है, इसलिए हमने सफिक्स को ऐड करते वक्त डबल नहीं किया। फिक्स्ड, इसमें भी हमने डबल नहीं किया। शो, शो भी एंडिंग डब्ल्यू से है, इसलिए भी हमने इसे डबल नहीं किया। अब रूल थ्री, व्हेन द वर्ड एंड विथ वाई, अगर शब्द वाई से एंडिंग हो तो इस पर क्या रूल्स है। इस पर भी दो इम्पॉर्टेंट रूल्स ध्यान में देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला, जब हम आई एन जी सफिक्स को ऐड करते हैं तो उस वक्त हमें क्या ध्यान में देना होता है, कोई भी चेंजेस नहीं। देखिए ट्राई जैसा है वैसा ही लिखना है, बस आई एन जी ऐड कर देना है, कुछ भी हटेगा नहीं। ओके या कुछ भी डबल नहीं होने वाला। क्राई भी देखिए सेम है, नो चेंजिंग। फ्लाई, नो चेंजिंग। इन्जॉय भी नो चेंजिंग। ऐसा क्यों, ये आप ध्यान में देख सकते हैं कि ये वाई से पहले, ट्राई में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वाई से पहले भी कॉन्सोनेंट है, पर इन्जॉय में देखिए वाई से पहले वावल है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो या वावल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप आई एन जी लगा रहे हैं तो आप अपने बेस वर्ड का कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है अब आप देखिए उसी तरह से प्ले भी वाई का जो वाई से पहले वावल है, बट आई एन जी लगाते वक्त हमने कोई चेंजेस नहीं किए। इन केस ऑफ ई डी ई आर और ई एस डी आपको इस चेंजेस पर खास ध्यान देना है। यस देखिए ट्राई, यहाँ आपको देना क्या है कि वाई से पहले आपका क्या है, वाई से पहले जो है कॉन्सनेंट है, राइट तो वाई से पहले ट्राई का वाई से पहले जो है कॉन्सनेंट है, तो कॉन्सनेंट जब भी हो तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर जो है आई लगा देंगे और फिर हम अपने सफिक्स को ऐड करेंगे। तो जब भी देखें कि वाई से पहले अगर कोई कॉन्सनेंट हो तो आपको अपने वाई लेटर को हटाकर आई लगाकर फिर आप अपने सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है वाइल एडिंग ई डी ई आर एंड ई एस टी। ओके एग्जाम्पल देखते हैं क्राई, इन केस ऑफ क्राई भी आप देख सकते हैं कि वाई से पहले जो है क्या है कॉन्सनेंट है, तो आपको
जो है वाई को हटाकर आई लगाना है और फिर आपको सफिक्स ऐड करना है। उसी तरह से फ्लाई, प्रिटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट, आपने वाई को हटाकर आई लगाया और फिर ईआर और ईएसटी लगाया। हैवी, हैवी के केसेस में भी आपने वाई को, वाई से पहले कॉन्सनेंट है इसलिए आपको वाई को हटाकर आई लगाना है और वाइल एडिंग ईआर एंड ईएसटी। अब देखिए इन्जॉय, इन्जॉय के लिए वाई से पहले क्या है, वावल है, राइट, उस केसेस में आपको चेंज नहीं करना है। यस, आपको देखना है कि वाई से पहले वावल हो तो चेंज नहीं करेंगे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई लगाकर हम सफिक्स ऐड करेंगे। ओके, देखिए गे, गे भी देखिए वाई से पहले हमारा वावल है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे वाइल एडिंग ई डी ई आर एंड ई एस टी। होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, वाइल व्हेन द वर्ड एंड्स विद ए, जब शब्द ई से एंडिंग होता हो उस केसेस में क्या, वाइल एडिंग सफिक्स आईएनजी उस वक्त हमें क्या ध्यान में देना है, आपको ई को ड्रॉप करना है। यस, जब भी आईएनजी ऐड करें आप ई को ड्रॉप करके फिर आप आईएनजी ऐड कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए लिव, लिविंग, यहाँ ई ड्रॉप हो गया, हाइड, हाइडिंग, आईएनजी लगाते वक्त ई ड्रॉप हो गया। उसी तरह से लव, आईएनजी लगाते वक्त ई ड्रॉप हो जाता है, होप भी आईएनजी लगाते वक्त ई ड्रॉप हो जाता है, राइट में भी वही है, राइट। बट वाइल एडिंग ई डी ई आर एंड ई एस टी, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बाकी के जो सफिक्स है वो ई से ही शुरू हो रही है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो दो बार ई लगाना है। ई से एंडिंग है वर्ड, आपका बेस वर्ड, और आपका सफिक्स भी शुरुआत में ई से ही शुरू हो रहा है, तो इस केसेस में आपको एक ही ई लिखना है, ठीक है, ओरिजिनल ई जो सफिक्स है, ठीक है, आपको डबल नहीं करने की ज़रूरत है, राइट। तो जो भी बेस वर्ड का आपका ई है ई, रेस्ट आपको डी लगाना है। उसके बाद एज में भी देख सकते हैं कि आपका एंडिंग ई से है, आपने डबल नहीं किया ई को, सिर्फ डी लगा दिया। एजुकेट, उसमें भी वही। फाइन, यहाँ देखिए ई आर लगाते वक्त और ये ई एस टी लगाते वक्त आपने सिर्फ आर और एस टी को ज्वाइन किया, बाकी का सारा बेस वर्ड जो है सेम का सेम बैठ गया, तो आपने ई को डबल नहीं किया। उसी तरह से जेंटल भी है, जेंटल, जेंटलिस्ट। रूल फाइव में क्या है, क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, सो ट्रीट क्यू यू कॉम्बिनेशन एज अ वन लेटर। यस, क्यू कभी भी अकेला नहीं होता, क्यू के साथ हमेशा यू होता है और फिर उसके साउंडिंग जो है क्यू होता है, तो क्यू का जो साउंड है उसको हम कंसिडर करेंगे, क्यू यू से बनता हुआ वो साउंड है, इसलिए क्यू यू जो है दो लेटर को एक लेटर मानेंगे, एक साउंड है वो, एक लेटर है। ओके, तो जैसे देख लीजिए, जैसे वाइट, ये हो गया क्विट। क्विट किस केसेस में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपका क्या है, सी है, लास्ट का लेटर टी सी है, आई आपका वावल है और फिर क्यू यू जो है आपका एक है, एक ही लेटर है और ये क्या है, कॉन्सनेंट है। ओके, तो ये सी भी सी हो गया, क्यू यू को एक लेटर मानकर हम उसे कॉन्सनेंट हम समझते हैं, और इसी केसेस में हमने सीखा है कि अगर सी भी सी वाली वर्ड हो तो वह एंडिंग पैटर्न हो और वन सिलेबल वाली वर्ड हो तो हम अपने लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। उसी केसेस में हमने क्विटिंग किया या क्विटर किया तो उस केसेस में भी हमने जो है लास्ट डी को डबल किया और यही वजह है। नेक्स्ट देखिए इक्विपिंग एंड इक्विप्ड, इस केसेस में भी आप देख सकते हैं कि क्यू यू को एक माना गया है, तो आपने अगर आखिरी से देखना है तो पी आई और क्यू यू ये दोनों सी वी सी वाले पैटर्न एंडिंग हैं। उसी तरह से क्वीज्ड को भी वैसा ही किया हमने और इक्वल को भी वैसा ही किया। ओके, तो एंडिंग जो है एंडिंग से देखना है और साथ में क्यू यू को एक मानना है, क्यू कभी भी अकेला नहीं होता, क्यू के साथ हमेशा यू होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। रूल नंबर 6, चेंज आई ई विथ वाई वाइल एडिंग द सफिक्स आई एन जी। यस, अगर वर्ड आई ई से हो एंडिंग तो आई ई वाई में बदल जाती है जब आप आई एन जी ऐड करते हैं। जैसे देखिए डाई, डाई का एंडिंग क्या है, आई ई, और ये आई ई अब चेंज हो जाता है वाई में जब आप आई एन जी लगा देते हैं। टाई, राइट,
टाई में भी आप देख सकते हैं कि आई ई चेंज होकर वाई हो गया। नेक्स्ट देखिए लाई, लाई में भी वैसा ही हो रहा है, आई ई चेंज होकर वाई हो जाता है जब आप आई एन जी ऐड करते हैं। वर्ड एंडिंग विद डबल ई, अगर वर्ड डबल ई से एंडिंग होती हो तो जस्ट ऐड आई एन जी। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ ज्वाइन करना है, सिंपल जैसा है बेस वर्ड वैसा ही बैठा कर आप आई एन जी ऐड कर सकते हैं। इसे देखिए फ्लाई, फ्ली, एग्री, सी, ये सारे में देखिए डबल ई है और डबल ई के साथ हमने कुछ भी नहीं छेड़खाने की, इसके वर्ड बेस वर्ड है जो सेम का सेम है व्हाइल एडिंग आई एन जी। अब देख लेते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में वर्ड एंडिंग विथ वाई ई या ओ ई से एंडिंग हो, जैसे डाई, डो, इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इस केसेस में आप आई एन जी ऐड करते वक्त फाइनल ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, जैसे डी वाई ई डाई, इस केसेस में आपने जो है आई एन जी लगाते वक्त वाई ई के साथ कोई चेंजेस नहीं किया, ई भी वैसा ही है जैसा आपका बेस वर्ड में है, कोई चेंजेस नहीं होता है। उसी तरीके से इसमें आपने देखा कि टी ओ ई है तो उस केसेस में भी आपको ई को ड्रॉप नहीं करना है, वैसा ही रखना है। ठीक है, तो ओ ई और वाई ई हो या डबल ई हो, इस केसेस में आपको जो है आई एन जी लगाते वक्त ई को ड्रॉप नहीं करना है, अदरवाइज आपको ई ड्रॉप करना है। तो आपने ये सीखा। अब रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में क्या है, इफ़ द वर्ड एंड विद सी, ओके, अगर वर्ड जो है जो एंडिंग वो सी से होती हो तो वी नीड टू ऐड के बिफोर एडिंग ई डी आई एन जी एंड ई आर। यस, आप ई डी आई एन जी ई आर को ऐड करते वक्त जो है सी के साथ के लगा कर फिर आप ऐड करके फिर आप सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पैनिक, यहाँ देखते हैं कि पैनिक में आपका सी से एंडिंग है तो आपने जब ई डी लगाया या आई एन जी लगाया तो आपने के को लगा कर फिर आपने ई डी का यूज़ किया। आप देख सकते हैं पैनिक्ड पैकिंग, यहाँ पर आपको के लगाना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिमिक, मिमिक में भी देख सकते हैं कि वर्ड एंड विद सी एंड देन वी हैव टू ऐड के वाइल एडिंग सफिक्स ई डी ई आई एन जी ऑन ई आर। ओके, तो यहाँ भी आपका जो है डबल हो जा रहा है, यहाँ पर के हो जा रहा है, सी के साथ के लग रहा है और फिर यहाँ भी सी के साथ जो के लग रहा है आई एन जी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक, उसमें भी वही हुआ, हमने सी के साथ के लगाया उसके बाद हमने ई डी आई एन जी लगाया। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यह स्पेलिंग रूल्स, ये मेरा पार्ट वन है, आपको और भी बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स के साथ मैं नई वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, शेयर करते रहिए मेरी वीडियो और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।